हेलो बच्चों, सभी को राम राम। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे, ठीक है। तो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग एनसीईआरटी की बुक उठाएं और वहां से जाकर आप इसे हिंदी में रीड आउट करें, ठीक है। और बेटा अगर आप हिंदी में वहां पर रीड आउट करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से बेटर वे में ये आपको जो क्वेश्चन है दोनों इजी वे में समझ में आएंगे वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, तो प्लीज आप लोग वहां से रीड करें। बाकी मैं बाय लैंग्वेज यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस। ये बोलता है कि क्या -150 जो है इस सीरीज का कोई टर्म है। तो बेटा सबसे पहले हमें एन निकालना होगा, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि ये -150 किस टर्म पे आ रहा है। बेसिक फंडा यह है कि -150 हमारा किस टर्म पे आ रहा है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर हमें यही ये पता हो जाएगा कि हमारे पास -150 किस टर्म पे आ रहा है तो मेरे ख्याल से हम आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये सीरीज, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज लिखेंगे एबी की, कितना आएगा आपका 11852 डॉट डॉट, है ना। तो देखो इससे हम ये ऐड कर लेंगे 180 जो मतलब 150 जो है वो एन है, यही टर्म तो निकालेंगे, तो हम इसे एन मान लेंगे, लास्ट टर्म मान लेंगे। एन का मतलब लास्ट टर्म या अंतिम पद, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 11, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों A2 - A1। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8 - 11, ये D है। तो D कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास -3, ये D कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास -3 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखा हमारा -3 हो गया क्या D। अच्छा अब देखते हैं बच्चों हम An का फॉर्मूला लगाते हैं पर, तो An = A + M - 1 D। तो An की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 150, A की वैल्यू कितनी बच्चों 11, N हमें क्या करना है निकालना है, और D कितना हमारे पास -3, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इसको इधर ले लेंगे -150 - 11, ये हो जाएगा -N - 1 - 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 11 हम इसे ऐड कर लेते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ, ये हो जाएगा आपका -161, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, अब इधर N माइनस यहां पर ऐसे काम कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। N - 1 और ये -3, ये देखो डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में था तो कहां चला गया डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। अब आ जाएगा ये 161 - 3, इधर जाके ये वाली वैल्यू जो होगी प्लस में जाएगी, है ना। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे। तो कितना आ जाएगा 161 + 3, एलसीएम ये तो आएगा 3/3 एन। अब देखो बच्चों यहां पर एन की जो वैल्यू आई वो 64/3 आई, ये चीज है। तो एक बात बताओ बच्चों, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अराउंड एन की जो वैल्यू होती है 3 × 15 = 14 और 3 × 12 = 20, 3 × 6 हटा रहे अराउंड 54.6 आ रहा है, अराउंड ये आएगा। तो बेटा एक बात बताओ, जब ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो क्या हमारी नंबर ऑफ टर्म कभी पॉइंट में हो सकती है, इट इज पॉसिबल कि हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे डेढ़ पद पे वो बैठा है या डेढ़ पद पे वो नंबर है या फिर ढाई पद पे वो नंबर है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट इंटीजर, ठीक है बेटा। तो हमेशा ये देखो ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि ये जो हमारा 150 टर्म है इस सीरीज का नहीं है, ठीक है। -150 टर्म इज नॉट दिस सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है। दिस सीक्वेंस, दिस एपी का सबसे बेस्ट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बहुत इजी है, ठीक है, आराम से आप इसको डील कर सकते हैं और मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई डाउट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी का कितना टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है, हूज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो हमारे पास दो कंडीशन गिवन है बच्चों कि उसका जो 11वां पद मतलब एन 11 ए एन 11 है ना, 11वां पद की जो वैल्यू है वो कितनी है 38 है 11 टर्म की वैल्यू, और 16 यहां पे एन ए एन होता है ना वो एन की जगह 16 रखेंगे वो कितना है आपका 73 है, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा यहां पर ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यहां से दो इक्वेशन डेवलप होगी। देखो यहां पर हम पहले लगाएंगे ए प्लस एन की जगह क्या रखेंगे 11, ठीक है, इंटू डी,
और ये जाएगा 38, ठीक है। तो ये जाएगा a प्लस टेन डी 38, यहां से ये इक्वेशन वन डेवलप होगी। सेम अगले वाले में रखेंगे a प्लस 16 माइनस वन डी इंटू 73, तो ये क्या जाएगा a प्लस 15 डी इंटू 73, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन हमारी आ गई, यहां तक कोई डाउट बच्चों? ये दोनों इक्वेशन हमारी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले हम ए और डी निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे। हमें बेटा ये फाइंड करना है, तो जब ये फाइंड करना है तो इसके लिए हमें एन, सॉरी एन तो हमें पता है कि 31 है, एन की वैल्यू यहां से क्लियर, एन होता है ना, तो एन की वैल्यू क्लियर होगी 31, क्योंकि इसे हम एन लिखते हैं, जो ए के नीचे एन होता है वो एन है, तो वो 31 हो गया। अब डी और ए अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ए प्लस टेन डी और 38, ये क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस, दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस, क्यों बेटा, क्योंकि हमें ए रिमूव करना है, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है सेम है, प्लस प्लस है, दोनों का कोएफिशिएंट प्लस प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इक्वेशन को। तो देखो ये प्लस था प्लस, इस वाले साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि आपको अगर ये एलिमिनेशन मेथड में दिक्कत हो रही है तो प्लीज मेरी जो है चैप्टर 3 की एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने की जो वीडियो है उसको वहां से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस, प्लस जो साइन बड़ा है इसका 15 का, तो क्या आएगा 5d, प्लस माइनस वैसे होता माइनस है, साइन किसका आएगा जो बड़ी वैल्यू वो कौन है 15, ठीक है। तो 73 और 38 कितना है बेटा, 13 में से आठ गया 5 और 3 35 है ना, 35। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ चुकी है। अब यहां पर हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पर पुट कर देंगे, तो a प्लस 10d, 10d की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 और ये है 38, तो कितना आ जाएगा a 38 माइनस कितना आ जाएगा 70, है ना, ये देखो 70 हो जाएगा, ये प्लस होता जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 70, 38 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 है ना, और ये 3 32, a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई माइनस का 30। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमें देखो निकालना क्या था, अब हमें निकालना था a 31, तो an is equals to a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, n की वैल्यू क्या निकालनी है 31, तो a यहां पे रखेंगे 31 minus 1 into d, तो कितना आएगा बेटा 30d, ये निकालना है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां पे पुट कर देंगे, पुट द, ये क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां तक देखो a की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 32, प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारी बच्चों, देखो यहां से देखो d कहां गया, सॉरी d कहां है 7, d कहां है 7, तो कितना आएगा माइनस 32 प्लस 7 किया 21, 210 आ गया, है ना। तो अब 210 210 में से आप 32 को क्या करो माइनस करो, तो कितना आएगा बच्चों, यह आएगा 8 है ना, और यह आएगा 7 और यह आएगा 1, 178, 178। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, सभी को मेरे ख्याल समझ में आया होगा बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करें जरूर से, ठीक है, धन्यवाद। मेरा घर पे आप जो है सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है बेटा, धन्यवाद।